हो चार दिन से पिवा बना पाता वो गाना आपका था हाँ सनहिया लगावल बहुत बात नजरिया चुरावल बहुत बात हुई दोनों बबुआ सुपरहिट ब्लॉक मास्टर गाना आप जी है? जी दोनों बबुआ गाना गाकर हमारा बहुत नाम को ऊंचा उठा सिंह जानते हैं कि काका जो हमारे हैं पिता तुल्य है और गुरु है बचपन से बचपन से हमको सिंह जी से देव कुमार सिंह जी कितना रिलेटेड है तो चलिए हम सबसे पहले एक और वाक्य बताने वाले हैं आपको कि देखिए पवन सिंह जी ने देव कुमार सिंह जो कि उनके गुरु जी हैं उनको एक मोबाइल फोन भी गिफ्ट किया है क्या वो वाक्य कि कि है किस तरीके की घटनाएं घटी उसके बाद पवन सिंह जी जानते हैं कि काका जो हमारे हैं पिता तुल्य हैं और गुरु हैं बचपन से बचपन से हमको हेरा है गीत संगीत दिया है मैंने बताया है वो जानते हैं कि वो सत्य आदमी है और सच्चा आदमी है इसलिए हमको बहुत प्यार करते हैं बहुत प्यार माने कहना नहीं उस प्यार का चाहते हैं कि काका का हमारे हमेशा खुश रहें हमेशा कोई प्रकार का दिक्कत इनको नहीं हो मैंने आज तक बबुआ से कुछ नहीं कहा कि हमको पाँच पैसा चाहिए पाँच रुपया नहीं मांगे एक बार वीडियो कॉल करने के लिए कहे तो हम बोले कि भाई हमारे पास में तो पंद्रह सौ का मोबाइल है इस पर वीडियो कॉल करके हमारा इज्जत लूटना चाहते हो तो बोले कि पंद्रह सौ रुपये का मोबाइल रखे हैं काका आप हमको नहीं तो क्या ज़रूरत है हमको ना गेम खेलना है इनकमिंग आउट गोइंग का हमको ज़रूरत है और इसके बाद में तो हम मोबाइल तो से कुछ मैने करते नहीं हैं कर नहीं, नहीं 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 इसके बाद में हमको एक मोबाइल गिफ्ट किए हम उसको भी बोले कि क्यों इतना दाम का हमको मोबाइल दे रहे हो कितने का गिफ्ट किए हैं बत्तीस हजार का मोबाइल ये देखिए बोले ये कि ये। हमको चलाने नहीं आएगा तुम हमको इतना बड़ा बोझ दे रहा है खूब और कर से और कहे कि नहीं नहीं सीख जाइएगा मैंने चिंता करने का जरूरत नहीं है ये देखिए पावर स्टार पवन सिंह जी से जितने भी लोग जुड़े हैं पुराने से लेकर नए तक सभी लोग ऐसे ही कहते हैं कि पवन सिंह बहुत दिल के अमीर आदमी हैं आए दिन अपने पुराने लोगों को हाल चाल लेते रहते हैं पुराने लोगों का फोन करते हैं कि काका का का कैसे हैं और देखिए दिक्कत समझे कि अरे मोबाइल तो चाचा के पास है नहीं है गुरुजी के पास मोबाइल है ये नहीं है तो बत्तीस हजार का गिफ्ट मोबाइल अगले दिन इनके घर पे भिजवा दिए तो बताइए किस तरीके का पवन सिंह जी का व्यवहार है लोगों के साथ गीत संगीत जो उगा दिए जो पवन सिंह गा दिया अभी कलाकार का बस का काम नहीं है अविष्कार किया है जितना खां साहब का गजल है उसका पैरोडी करके भोजपुरी में गाकर सारे लोगों को सुनाया और मुझे इसलिए मानता है कि मैं भी वही कलाकार हूँ जो कि कोई नहीं है चाहे गाना का फैन और मैं जो भी गीत गाया हूँ और जो भी गीत गाता हूं अश्लील मुक्त और जो गाने का तरीका है तजुर्बा तो है और कलाकारों से निराला है अलग है इसलिए हमको बहुत ज्यादा प्यार करता है पवन सिंह तो चाहेंगे कि एक गजल जो है आपके माध्यम से दर्शकों के बीच हो जाए प्यार कहीं नीता दर्द लल्बा, में लल निशानी में प्यार कई नी त दर्द मिलबा निशान में कैस जी उन किन हे प्यार कई درد त दर्द में ललबा پیار में प्यार के کے खी हो के मजबूरी हमसे नहीं गई ली अच्छा ये गाना तो बहुत खूबसूरत था दर्शक भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो पुराने गाने हैं और जो आज के आजकल के नए गाने हैं उनमें अच्छा कौन सा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अभी कुछ और सुनेंगे इनसे अच्छा ऐसा सुनने में आता है कि आपने पवन सिंह जी को भी एक आध गाने दिए हुए हैं जो कि आपके ही धुन पे हैं बबुआ हमारे गीत को बहुत दूर तक पहुंचाया। हर बाप का यही इच्छा होता है कि उसका लड़का को जाना जाए उसके नाम से मैं ऐसा पाया और उस, उस गीत को गाकर दो गीत इतना उसको हिट किया कि सारे लोगों के जबान पर गीत पवन सिंह का रहता है कौन सा गाना था वो दरोगा जी हो चार दिन से पिवा बना पाता वो गाना आपका था हाँ सनहिया लगावल बहुत बात लिखे जरिया चुरावल बहुत बात हुई दोनों बबुआ सुपरहिट ब्लॉक बस्टर गाना आप का जी है? जी दोनों बबुआ गाना गाकर हमारा बहुत नाम को ऊंचा उठाया दरोगा जी वाला चाहेंगे कि थोड़ा सा वो गाना जो है वो हमारे दर्शकों के बीच आपके माध्यम से हो जाए सोची सोची जिया हम सांची सांची जिया हमरो अरे बड़ा घबराता दरोगा जी हो चार दिन से पिया बा बन पाता दरोगा जी हो चार दिन से पिया बन पाता गौआ में खोजनी बजरिया बजरिया अरे गौआ में खोजनी बजरिया बजरिया कतही बलम जीना अवेले नजरिया खोजे में पैसा अरे पानी में फेंकाता दरोगा जी हो चार दिन से पियावा बन पाता दरोगा जी हो चार दिन से पियावा बन पाता तो देख सकते हैं लोग आज के समय के जो जितने भी कलाकार हैं पवन सिंह जी का गाना आता है उसी ट्रैक पर लोग गाते हैं और पवन सिंह का गाना कॉपी करते हैं लेकिन जो दौर था एक समय में पवन सिंह जी देव कुमार सिंह जी का गाना वो भी ब्लॉक बस्टर हिट जो दिए हैं वो देव कुमार सिंह जी का ही गाना है तो क्या कुछ कहा जाए पावर स्टार शुरुआती दौर में पावर यहाँ से कुछ गानों के माध्यम से लिए तो और क्या कुछ कहा जाए पूरे चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं पवन सिंह जी जो गाना है वो किस तरीके से आप देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा मिलेंगे अगले वीडियो के साथ आज के वीडियो में इतना ही तब तो तक के लिए धन्यवाद